Srivastav. I am here to help you plan your taxes effectively in this series of Shed the Tax. So, आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 24B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो कि इंटरेस्ट ऑन होम लोन के बारे में बात करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से टैक्स पेयर्स हैं जिनको ये बेनिफिट मिलता है। सो इफ यू आर अ होम ओनर एंड यू हैव टेकन अ होम लोन देन इन दैट केस यू कैन क्लेम बेनिफिट अंडर दिस सेक्शन। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन है जिनको आपको मीट करनी पड़ेगी। सो पहला कंडीशन है कि यू मस्ट हैव टेकन द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन परचेज repairs or reconstruction of the house property. Second है जो आपने loan लिया है that must have been taken on or after 1st of April 1999. Third is जो construction है of the house property that must be completed within 5 years from the end of the financial year in which you have taken the loan. And the last condition is that the interest certificate must be obtained from the person from whom you have taken the loan. अब हम देखते हैं कि कितने amount पे ये deduction मिलता है। अगर आपका हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड दैट मीन्स आप खुद उस घर में रह रहे हैं तो इन दैट केस यू कैन क्लेम मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपीस। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट अगर आपने उसको किराए पे दिया हुआ है तो इन दैट केस यू कैन क्लेम मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपीस। अब कई बार होता है कि हम कुछ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी पे करते हैं जिसका मतलब है कि पोजेशन से पहले भी हम कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं। सो उस केस में आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है पोजेशन से पहले वो पूरा का पूरा आप क्लेम कर सकते हो जब आपको पोजेशन मिला है इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। और ये टोटल अमाउंट प्री कंस्ट्रक्शन एंड नॉर्मल इंटरेस्ट विच यू आर पेइंग शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल इन प्लानिंग योर टैक्सेस। थैंक यू सो मच।